तरुण मित्र परिषद द्वारा बड़ा चौक जैन मंदिर परिसर में गुरुवार को निःशुल्क विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन गिरिडीह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेमब्रम समेत अन्य कई प्रमुख लोगों ने दीप प्रज्वलित कर दिया। इस कैंप में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर, ऑर्थोशू, बैसाखिया व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र आदि प्रदान करने के लिए नाम दिया गया। इस दौरान परिषद के महासचिव अशोक जैन ने बताया कि पूरे भारत में इस तरह के दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि दिव्यांग अपने पैरों पर खड़े हो सके और बुजुर्ग अपने कानों से सुनने लगे। आज इस कैंप में दिव्यांगों को सहायक उपकरण जिसमें कृत्रिम हाथ पैर, ऑर्थोशूज, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, बैसाखियां प्रदान करने हेतु नाप लिया गया है। साथ ही श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने हेतु चयन किया गया है। 11 मार्च को सहायक उपकरण दिल्ली से बंद कराने के बाद इनका वितरण किया जाएगा। मैं प्रमोद जैन पिछले 10-15 सालों से तरुण परिषद से जुड़ा था और जुड़ा रहूँगा। उनके कैंपों को देखते हुए मैंने गिरिडीह में ये चौथा कैंप लगवाया है और उम्मीद है कि आगे मैं इसको हमेशा लगवाते रहूँगा। जहाँ तक मेरा विकलांगों के सेवा का भाव है, इनके अशोक जैन की नेतृत्व में बहुत ही इच्छा करती है कि मैं ये कैंप हमेशा लगाता रहूं। मैंने ये कैंप अपनी मिसेज अनिता जैन की स्मृति में चौथा कैंप इस बार लगवाया है और आगे भी लगवाने का विचार है और हमेशा विकलांगों की सेवा करने का मेरा ध्येय है।